हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देखिए कि आज का मार्केट कैसा रहने वाला है कल तो आपको पता ही है बहुत तखड़ी तबाही एक शेयर मार्केट में हमारे आई थी और बहुत तखड़ा लॉस लोगों को हुआ कई ट्रेडर्स थे और इन्वेस्टर्स को भी जिन्होंने होल्डिंग बना रखी थी उन्हें भी कल बहुत तखड़ा लॉस हुआ है और हमारा जो निपटी था वो एक और बैंक निपटी लगभग लगभग पौने दो की गिरावट के साथ कल बंद हुआ तो देख लेते हैं पहले क्या रहेगा मार्केट का मूड लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल कैसा रहा मार्केट में कामकाज तो अगर हम टॉप गेनर देखें तो यहाँ आप देखेंगे टॉप गेनर्स में बाल कृष्णा पेपर मिल्स ये रहा सेयर और 20 परसेंट का इसने सर्किट मारा साथ ही साथ इसके बाद जो सेकंड नंबर पर रहा वो रहा थायरो केयर टैक और पंद्रह पॉइंट परसेंट की इसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिली इसके बाद बाल फार्मा लिमिटेड इसमें साढ़े की वहीं अगर हम टॉप लूज़र देखें तो देखेंगे ओरिएंटल ग्रीन पावर ये साढ़े तेरह परसेंट और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ये भी लगभग लगभग साढ़े तेरह परसेंट और लॉयड स्टील आईएफसीआई लिमिटेड तो ये कुछ टॉप लूज़र थे बात करें एफआईआई और डीआईआई के डाटा की तो आप देखेंगे एफ़ ने ग्यारह करोड़ की सेलिंग की है और डी ने ख़रीदारी की है सत्रह सौ सत्तावन करोड़ एट जो रहा वो रहा छः सौ अड़तीस करोड़ की बाइंग अगर स्मॉल कैप में बात करें जो टॉप हंड्रेड स्मॉल कैप हैं उनमें तो बढ़ने वाले शेयर रहे थायरोयर टैक आई और ग्रैनुअल्स इंडिया स्मॉल कैप में अगर हम टॉप लूजर देखें हंड्रेड तो इरकोन इंटरनाती ये रहा दस परसेंट का इसमें गिरावट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इसमें और फिर आईआरबी इंफ्रा ये थे टॉप हंड्रेड स्मॉल कैप लूजर बात कर लेते हैं मिड कैप हंड्रेड की तो देखिए मिड कैप हंड्रेड जो होते हैं यही होते हैं वो शेयर जो अच्छी वेल्थ हमें बना के देते हैं तो इसमें जो टॉप गेनर रहे ग्लैनमार्क डॉक्टर लाल पैथ और एलेम्बिक फार्मा और देखिए जैसे ही कोविड की सिचुएशन ये थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखेगी तो हमें फार्मा सेक्टर तो भागता हुआ दिखेगा ही और टॉप जितने भी टॉप हंड्रेड गेनर हैं उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक फार्मा की ही कंपनियां हैं और मिड कैप हंड्रेड के लूजर देखें तो सिटी यूनियन बैंक इंडियाबुल हाउसिंग और धनी सर्विस निफ्टी लूज रहा एक परसेंट बैंक निफ्टी में लगभग पौने दो परसेंट की गिरावट और निफ्टी मिड कैप हंड्रेड में लगभग वन पॉइंट सिक्स परसेंट की गिरावट और इस्माल कैप हंड्रेड में ये रहा दो परसेंट से ऊपर की गिरावट और जो हमें रिटर्न मिले निफ्टी आईटी में थोड़ा सा पॉजिटिव रहा ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट न्यूज़ निकल के आ रही है अजंता फार्मा की तरफ से अजंता फार्मा में जो इसके प्रमोटर्स हैं इन्होंने सेल किया है फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट का स्टेक छः सौ पचास करोड़ रुपये का बाया ब्लॉक डील सी एन बी सी टी वी एटीन सोर्सेज ठीक है सोर्स रहा इसका सी एन बी सी टी वी एटीन एक आई पी ओ है हमारा ये नाइफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसका आईपीओ आया है जो कि सब्सक्राइब हुआ है सिर्फ और सिर्फ टू पॉइंट फाइव नाइन परसेंट सॉरी गुना और जो इसका क्यू आई भी है इन्होंने किया है फोर पॉइंट वन सेवन टाइम्स इसको सब्सक्राइब एक देखिए गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो निफ्टी में हम देखेंगे ये जो बताया गया है कि के, बुल केस फॉर निफ्टी एट बीस हज़ार नौ सौ उन्नीस इन दो हज़ार तेईस तो दो हजार तेईस में हमारा जो बैंक निफ्ट, ये निफ्टी है ये बीस हज़ार नौ सौ उन्नीस पर रहेगा और ये कोटेक सिक्योरिटी ने इसको दिया है रेटिंग इसमें हमको लगभग पंद्रह परसेंट की तेज़ी अगले साल देखने को मिलेगी निफ्टी में तो एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल जाएगी अच्छा है पंद्रह परसेंट की तेज़ी काफ़ी शानदार मानी जाती है और ये रात को हमने देखिए पी डी एफ बनाई थी तो इक्कीस दिसंबर में अगर हम देखें इसमें रात में तो हमारा डाउजोन और एस एंड पी पाँच सौ नेश सब पॉजिटिव में बंद हुए हैं पॉजिटिव चल रहे थे रात और सुबह भी अगर इसे देखें हम तो अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है देखिए लास्ट में कुछ इंटरनेशनल मार्केट हम देख लेते हैं तो एस जी निफ्टी देखेंगे हम 108 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ है डाउ जोन्स वन परसेंट की तेज़ी के साथ नेशडेक वन की तेज़ी के साथ और एस एन पी का जो मार्केट है ये हुआ है 1.49 परसेंट के साथ बंद तो पॉजिटिव एक साइन दिख रहा है आज के लिए बाईस तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है तो जितना भी लॉस कल हुआ है वो आज हमें रिकवर होता हुआ दिख सकता है लेकिन फिर भी हम मार्केट को एनालिसिस जरूर करेंगे क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता है तो अपना चार्ट देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का और देखने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कितना रहने वाला है हमारे टारगेट आज के तो देखिए हम देखें तो पहले जो है हमारा जो अगर पहले सपोर्ट ही देख लेते हैं तो सपोर्ट के आसपास ही हमारी जो निफ्टी है ये ट्रेड कर रही है सत्रह हज़ार नौ सौ अट्ठावन का इसका एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अगर यहाँ से टूटता है तो हद से हद जा सकता है सत्रह हज़ार पाँच सौ तक लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी और अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अट्ठारह हज़ार पाँच सौ इकतालीस और दूसरा टारगेट रहने वाला है हमारा अट्ठारह हज़ार छः सौ और इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी आती है तो अट्ठारह ये इस हफ्ते हो सकता है लेकिन अगर हम सिर्फ बाईस तारीख की बात करें आज की तो अट्ठारह का टारगेट लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहने वाला है इकतालीस हज़ार पाँच सौ और अगर इसको तोड़ता है तो इससे नीचे रह सकता है हमारा अगला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा सॉरी चालीस हज़ार दो सौ दो सौ इकहत्तर और अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुले लेकिन पॉसिबल नहीं है जैसे ही अगर नीचे मिले तो हमने इसमें बाइंग की पोजिशन बनानी है क्योंकि हमारा जो बाईस तारीख का मार्केट है वो ऊपर ही रहने वाला है और पहला टारगेट रहेगा तैंतालीस हज़ार चार सौ इक्यावन का और दूसरा टारगेट चौवालीस हज़ार का तो बहुत शानदार टारगेट है ऊपर की ओर तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत